दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट कैसे बनाया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट बनाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक है ऑफलाइन, एक है ऑनलाइन। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन कैसे फिक्स डिपॉजिट बनाया जाता है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए। जैसे कि अपने गाँव या समाज में किसी भी व्यक्ति को अगर देखते हैं कि ब्याज पे पैसा लगाता है तो उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप बैंक में फिक्स यानी कि कोई भी डिपॉजिट करवाएंगे, अमाउंट का कोई भी आप फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे, तो यहाँ पे आपको उसका बैंक जो है फिक्स डिपॉजिट का समय के अनुसार से, रुपये के अनुसार से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा बैंक के तरफ से। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन की कैसे आप फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर में अगर आपको पैसे की दिक्कत आ जाता है तो आप चाहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट को हम तोड़ के अपना पैसा निकाल लें, तो इस वीडियो में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिक्स डिपॉजिट को क्लोज किया जाता है और तुरंत ही आप पैसे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट से आप अपने सेविंग अकाउंट में। फिक्स डिपॉजिट बनाने के लिए कम से कम आपको 7 दिन से 10 साल तक आप यहां पे फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं। मिनिमम आप 1000 से आप जो है शुरू कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट बना के, और मैक्सिमम आप जो है 99,99,999। चलिए इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं, उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। पहले FD बनाने के लिए आपको योनो SBI ऐप जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे जो है हम पिन से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपको लाइव प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे FD को ओपन किया जाता है, और ओपन करने के बाद इन फ्यूचर में अगर आपको बंद करना पड़ता है तो FD को किस तरह से आप बंद करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे योनो SBI के ये होम पेज पे। तो यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। पे देखिए मेरे पास जो है एक और फिक्स डिपॉजिट है जो कि पहले से वो 5 साल के लिए है। यहाँ पे हम नया बनाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस है, क्रिएट फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, उतना का भी आप FD बनाना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट, वो अमाउंट यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपके पास जितने भी अकाउंट होगा, तो यहाँ पे मेरे एक ही अकाउंट है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली ये बात है, यहाँ पे देखिए डू यू वॉन्ट टू योर फिक्स डिपॉजिट टू बी टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, यानी कि अगर आप इस वाले आइकन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको कम से कम जो है 5 साल के लिए ही आपको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। अगर इस पे आप नहीं क्लिक करते हैं तो आप कभी भी इसे इन फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप इसे तोड़ के निकाल सकते हैं यानी कि क्लोज कर सकते हैं। इसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि हम लंबे समय तक FD नहीं बनाना चाहते। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है आप कितने साल तक जो है FD बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 7 दिन से 10 ईयर तक आप FD बना सकते हैं। तो चलिए हम मिनिमम 1 साल के लिए FD बनाते हैं, उसके बाद 0 मंथ दे देते हैं, उसके बाद 0 डे देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेच्योरिटी डेट 6 जुलाई 2021, इंटरेस्ट रेट 5.10% यहाँ पे पर एनम मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे मंथली नहीं मिलेगा, पर एनम मतलब कि आपको साल में यहाँ पे इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ईयर और मंथली सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है व्यू इंटरेस्ट रेट पे। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में कितना इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 7 से 45 दिन में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट, यानी कि 365 दिन में 5.10 का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, 10 पैसा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 1 साल से ये करते हैं तो आपको अच्छा इधर इंटरेस्ट मिल सकता है। पहले तो बहुत अच्छा दिया जाता था लेकिन अब जो है उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो चलिए हम आपको ये जो चार्ट आपको दिखा दिया, अगर आप FD बनाना चाहते हैं इस चार्ट को ज़रूर आप देख लें। उसके बाद यहाँ पर हम इसको बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए आप इंटरेस्ट पे आउट किस तरह से आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, एट मैच्योरिटी है, यानी कि मंथली क्वार्टरली का यह मतलब होता है कि आपका जितना भी पैसा बनेगा मंथली या क्वार्टरली में तो आपको यहाँ पे मंथली के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 रुपया क्वार्टरली हमको मिल रहा है, मंथली क्वार्टरली तो यहाँ पर हमको मिलेगा। अगर हम एट मैच्योरिटी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 52 रुपया एट मैच्योरिटी हमको मिल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एट मैच्योरिटी पे ही क्लिक करें ताकि आपको ज़्यादा अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिल सके।
डेट मैच्योरिटी पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाता है ऑटो रिन्यूअल का ये मतलब है जो भी आप अमाउंट का एफडी करा है उसका जो है एफडी आपका दोबारा बन जाएगा अगर आप इस पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो क्रेडिट टू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी बैलेंस बनेगा वो जो है आपके अकाउंट पे आ जाएगा, साथ में प्रिंसिपल अकाउंट के साथ आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये है रिन्यूअल प्रिंसिपल एंड रिप्ले इंटरेस्ट, यानी कि आपका जो भी अमाउंट एफडी बना है और जो भी आपको इसमें इंटरेस्ट मिल रहा उनका दोनों मिला के जो है आपका फुल एफडी बन जाएगा अगर आप इस पर क्लिक करते हैं। यानी कि जो आप एफडी बना है वो अमाउंट प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा जितने समय तक जितने अवधि तक आप करना चाहते हैं वो मिला के आपका जो है यहाँ पे दोबारा फुल एफडी आपको बन जाएगा। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि सीधा सीधी आपको जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, क्रेडिट हो जाए सभी पैसे एक साथ में, तो आप यहाँ पे क्रेडिट टू अकाउंट पे ही क्लिक करेंगे। तो मेरा सजेस्ट है कि आप क्रेडिट टू अकाउंट पे ही क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनल पेज है, यहाँ पे आपको कन्फर्म करने के बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे उससे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है नाम, उसके बाद प्रिंसिपल अकाउंट आपको 1000, उसके बाद यहाँ पे आपका डेबिट अकाउंट यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद मैच्योरिटी डेट आपको दिया गया है, उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट आपको, यानी कि आपको एक साल में कितना आपको मिलेगा, कितना आपको मैच्योरिटी अमाउंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1052 रुपया आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 5.10 रुपये पर एनम आपको मिलेगा, यानी कि एनुअल मिलेगा, मंथली नहीं मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट पे आउट एट मैच्योरिटी हम पे क्लिक किए हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैच्योरिटी इंटरेस्ट यानी कि क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट, यानी कि आपका जो है जो भी आपको एक साल में बनेगा तो यहाँ पर आप जो है क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक हो जाएगा। नॉमिनी डिटेल्स, अगर आप नॉमिनी डिटेल्स देना चाहते हैं तो आप यहां पे दे सकते हैं, तो मेरा दिया हुआ है, आप एडिट करके भी यहां पे दे सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स। उसके बाद यहां पे सही से देखने के बाद सर टर्म एंड कंडीशन भी आपको रीड कर लेना है, रीड करने के बाद आप यहां पे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही टिक करेंगे, टिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं, कन्फर्म करना चाहते हैं तो आप कन्फर्म बटन वाले पे क्लिक कर देंगे। अगर आप एफडी बनाना चाहते हैं यहाँ पे देखिए कुछ ही सेकंड के बाद आपका जो एफडी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल क्रेडिट योर फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पर आपका जो है फिक्स डिपॉजिट हो गया है। उसके बाद यहाँ सकते हैं डाउनलोड रिसिप्ट पे आप क्लिक करके आप जो है डाउनलोड इसको भी कर सकते हैं, आप जो है आपके ईमेल पे यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम आपको बैक आके दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक आपको पहले बताया था कि 1000 का रुपया था, वहाँ पे 6.25 इंटरेस्ट मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए हम दूसरा जो बनाया है तो वो यहाँ पे है, देखिए 5.10 का इंटरेस्ट हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको क्लोज करना है तो चलिए हम आपको SBI के होम पेज पर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखे बाद देखिए यहाँ पे व्यू बैलेंस पे मेरा जो है 716 रुपया है, 9 पैसा है। तो चलिए हम आपको एक बार स्टेटमेंट दिखाते देते हैं ताकि आप कहिएगा कि ये जो है स्क्रीनशॉट बता रहे हैं, नहीं हम आपको पूरा लाइव प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मेरा जो है 1000 रुपये का जो है बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर मेरा कुल रुपया था 1700 कुछ रुपया था। तो यहाँ पर 1000 रुपये का आप स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से मेरा जो है फिक्स डिपॉजिट बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर इसको अगर क्लोज करना चाहते हैं इन फ्यूचर में किसी भी तरह का अगर आपको पैसे का दिक्कत हो जाता है तो यहाँ पे आप क्लोज करके रुपया भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम फिर से डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्लोज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी जितने भी रुपया का FD अकाउंट बना है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए 1000 रुपया का मैंने बनाया था, उस पर देखिए क्लोज करने के लिए यहाँ पर क्लोज फिक्स डिपॉजिट पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए Are you sure you want to close fixed deposit? यानी कि आपको फिर से कन्फर्मेशन मांगेगा कि आप सच में क्लोज करना चाहते हैं, तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो है ये कन्फर्म मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे आप क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक कर देते हैं।
तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल क्लोज द फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे अकाउंट नंबर भी आप देख सकते हैं 1000 रुपया का जो मैंने FD बनाया था वो भी देख सकते हैं। उसके बाद ओके पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पैसा आया है कि नहीं आया है। देखिए मेरा जो पहले बैलेंस 700 कुछ रुपया था, यहाँ पे देखिए व्यू बैलेंस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1761 रुपया मेरा यानी कि FD टूट चुका है, यहाँ पे रुपया आ चुका है। तो यहाँ पे चलिए हम आपको स्टेटमेंट दिखा देते हैं। तब मैंने FD बनाया था 1000 रुपया का, वो लाल कलर का है जो कि मेरे अकाउंट से खाते से कट गया था। जो मैंने अभी क्लोज किया है FD को, 1000 रुपया को बंद किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 रुपया मेरे खाते में आ चुका है। हम फिर से आपको डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि मेरा अब एक ही फिक्स डिपॉजिट बचा है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग यानी कि फिक्स डिपॉजिट के रिकॉर्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।